रांची की एक बिटिया को बाल विवाह के खिलाफ बगावत करना पड़ा। वो घर की दहलीज को लांघते हुए भाग निकली। पुलिस को नाबालिग छात्रा बिरसा चौक पर भटकती हुई मिली। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि घरवाले उसकी जबरन शादी कराना चाहते थे, तो जो छात्रों को मंजूर नहीं है। बाल विवाह पर बिटिया की बगावत, लाडो ने लांगी दहलीज। रांची के सुखदेव नगर की रहने वाली नाबालिग छात्रा ने अपने ही परिवार से बगावत की है। छात्रा का आरोप है कि परिवार वाले उसकी जबरन शादी कराना चाह रहे थे और उसकी पढ़ाई लिखाई बंद कराना चाहते थे, लिहाजा वो बाल विवाह के खिलाफ परिवार वालों से बगावत कर घर से भाग निकली। वो पुलिस को बिरसा चौक पर भटकती हुई मिली। उनको शादी करने चाहते थे, स्कूल नहीं पढ़ने देते थे, घर बंद कर देते थे, निकलने भी नहीं देते थे, अगर रात में गेट लगा बाथरूम में नहीं जाने देते थे, मारते थे। नाबालिग छात्रा घर की बंदिशों से आजाद होकर पढ़ना चाहती, ताकि वो शिक्षिका बन सके और समाज को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक कर सके। पढ़ के टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बन के कुछ सबको बताए सिखाए। वही छात्रा के परिजनों ने किसी तरह से प्रताड़ित करने के आरोपों को नकार दिया है। गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। देखिए हम ही मारे हैं 8 दिन पहले 2 थप्पड़। कहे की बात नहीं सुनती है, थेथर करती है, बातें नहीं सुनती है। बाप के इतना जोर से सीरियस तबीयत खराब है, हम बोले इतना परेशान है, हमको काम धंधा करना पड़ता है और तुम लोग सुनती नहीं, कहे नहीं सुनती। मेरी माँ ऐसा नहीं है, हम लोग देखिए बहुत गरीब आदमी है, हम लोग घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का भी कहना सुनते हैं, पर मम्मी ऐसा नहीं है। पूरे मामले पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर तनुश्री जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही हैं। और इस परिवार के ऊपर कार्रवाई तो जरूर होगी, क्योंकि कानूनन जुल्म है अर्ली मैरिज, एज पर द अर्ली मैरिज एक्ट बिलो 18 शादी नहीं कराना चाहिए। इस छात्रा ने बाल विवाह के खिलाफ खड़े होकर एक नाजीर पेश करने का काम किया है। आज के दौर में किसी को भी मुस्कुराहट छीनने का हक नहीं है। रांची से कामरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।